Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today, we study over the business chapter 7, Source of Business Finance for class 11, and it is our third. In this part, our today's topic is Source of Rising Finance, where we understand about the owner's fund, and after that we understand about the preference shares. So, iske pehle humne rising fund finance ke baare mein padha tha, fir owner's fund kya kya hote hain, usme kya kya cheeze aati hain, unke baare mein bhi humne study kiya. Then after that, hum padhenge प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम देखें तो प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ द ऑनर्स फंड. प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो ऑनर्स फंड का एक पार्ट होता है. इवन नॉर्मली बात करें प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर व्हिच गेट द प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट टू. अब जैसे क्या होता है कि हमारे ऑनर्स फंड में क्या होता है, जैसे हमने बात किया कि ऑनर्स फंड में लायबिलिटी जनरेट नहीं होती, वो परमानेंट सोर्स होता है. तो इसमें एक चीज होती है, जो शेयर होल्डर होता है वो कहीं ना कहीं देखे तो अपने प्रॉफिट को फोकस करके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का काम करता है. तो जब वो अपने प्रॉफिट के फोकस की बात करता है तो नॉर्मली वो करता क्या है, वो हमेशा सोचता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े और वो हमें प्रॉफिट दे. तो यहाँ पे क्या है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स, एज अ नेम इज क्लियर, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता पहले देना, किसी चीज को सबसे पहले करने की कोशिश करना. तो इसके ये किससे होल्डर्स जो होते हैं, इस तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है. किससे? इक्विटी शेयर होल्डर्स. यानी इक्विटी शेयर से पहले जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. किस तरीके से दिया जाता है? तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ डिविडेंड? तो डिविडेंड इज अ प्रॉफिट ऑन शेयर. डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट ऑन शेयर, यानी कि शेयर्स के ऊपर मिलने वाले प्रॉफिट को हम डिविडेंड के रूप में समझते हैं. तो जो डिविडेंड होता है वो मिलेगा किससे पहले? इक्विटी शेयर्स से पहले मिलेगा प्रेफरेंशियल होल्डर्स. देन करता है रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग द वाइट. और इसके अलावा भी आपको रीपेमेंट होता है जब हम इन्वेस्टमेंट के टाइम की बात करते हैं, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, तो उस समय में भी इससे पहले जो रीपेमेंट की बात आती है उस पर हम इक्विटी शेयर से पहले किसको पे करेंगे? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को. तो फीचर ऑफ प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल के फीचर क्या है, उनमें क्वालिटी मतलब उनके क्या क्वालिटीज हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी अगर बात करें तो मेन फीचर्स आर प्रेफरेंस शेयर्स, द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि इसमें बिजनेस के साथ किसी भी लेवल पे कोई भी एक्टिविटीज होती हो, यानी बिजनेस चाहे प्रॉफिट में जा रहा हो चाहे लॉस में जा रहा हो, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट कम आ रहा हो या ज़्यादा आ रहा हो, सिचुएशन में इसको फिक्स रेट ऑफ पे इंटरेस्ट मिलता है. यानी कि इसका जो फिक्स डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जो प्रॉफिट मिलता है वो फिक्स रेट पर मिलता है जो इसके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. और ये भी कब किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले किया जाता है. जब बात करते हैं लो सिक्योरिटी, अगर देखें तो कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी किसी तरीके की सिक्योरिटीज को ऑफर नहीं करती, यानी किसी तरीके की एसेट्स को गिरवी रखने का काम नहीं करती. द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड. जैसा मैंने पहले भी बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड. जो ऑनर्स फंड होता है उसका एक पार्ट होता है. इस वजह से इसके लिए कोई सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं पड़ती. सिक्योरिटीज का सेंस समझ लीजिएगा, जैसे हम किसी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो क्या करते हैं, बैंक हमको ऐसे लोन देते हैं, वो ये अश्योर करने की कोशिश करता है कि जिस बंदे को हम लोन दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, वो उस लोन का पेमेंट पूरी तरीके से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करता है, उस सिक्योरिटीज को बनाए रखने के लिए क्या करता है, कुछ उसके एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन तमाम तरह की चीज़ों में से कोई एक जो लॉन्ग टाइम में भी वैल्यूएबल रहती है चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करता है, गिरवी के रूप में उनके पेपर्स को एक बॉन्ड के रूप में अपने पास रख लेता है. इनकेस अगर वो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो उन बॉन्ड उन प्रॉपर्टीज को बेच के क्या कर सकता है, अपने उस लॉस की रिकवरी कर सकता है, ये बैंक कर सकता है. लेकिन प्रेफरेंशियल होल्डर की सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता. फिर वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को किसी भी तरह की वोटिंग राइट्स नहीं होती है अंडर द जनरल कंडीशन. जनरल कंडीशन में किसी भी तरीके की उसको कोई राइट्स नहीं होती. जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करता है हर एक डिसीजन में, लेकिन ऐसा प्रेफरेंशियल होल्डर्स नहीं कर सकते. कहते हाउ एवर द प्रेफरेंशियल होल्डर गेट द वोटिंग राइट्स इफ द डिविडेंड आर नॉट पेड फॉर 2 ईयर और मोर. ऐसी सिचुएशन तब आती है जब उनको वोटिंग राइट्स तब दिया जाता है जब जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड के लिए रिसीव कर रहे हैं और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो रिसीव कर रहे हैं डिविडेंड को, उसको दो या दो से अधिक
समय में या दो से अधिक सालों में पेमेंट न किया गया, काफी टाइम हो गया उसको पेमेंट नहीं पा रहा है, तो दे हैव अ राइट टू गेट द वोटिंग राइट्स। इनके पास उत्तर अधिकार होता है, इनको वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। फिर कहते हैं द हाइब्रिड सिक्योरिटीज होती है। नॉर्मली क्या हम जब चाहे इसको जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज एज दिस शेयर हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें हाइब्रिड का क्या होता है, हाइब्रिड का सिस्टम मिक्स अप वाली सिचुएशन होती है। इसमें क्या है प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, इसमें इक्विटी शेयर्स की तरह भी क्वालिटी है और डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट। ये आप गौरव जो फंड्स पढ़ेंगे उसमें इसका कंडीशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये लंबे समय तक के लिए जाने वाला डेट होता है, 4 साल 5 साल 6 साल जैसे भी हमारी गवर्नमेंट गिनती है, तो इसके हिसाब से हम इसको अडॉप्ट करने का होता है। तो ये जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होता है वो दोनों का मिक्सअप होता है, कुछ फीचर्स किसके होते हैं इसके इक्विटी शेयर्स के होते हैं, तो कुछ किसके होते हैं डिबेंचर के होते हैं। लाइक द इक्विटी शेयर्स द प्रीफरेंस शेयर्स गेट द डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर में जब प्रॉफिट होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर में भी क्या होता है कि इसको प्रॉफिट तभी मिलेगा, डिविडेंड तभी मिलेगा जब तक कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें डिवेंचर में, तो डिवेंचर में क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसके डिवेंचर होल्डर जो होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। कहता है लाइक द डिवेंचर्स द प्रेफरेंस शेयर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है, यानी कि फिक्स रेट पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स रेट पे होता है। इस तरीके से देखें तो उसमें इक्विटी शेयर्स का भी और डिवेंचर का भी दोनों का फीचर्स इन्वॉल्व होता है। हम बात करते हैं एडवांटेज मेरिट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स की, अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो नॉर्मली देखें तो इक्विटी शेयर हुआ हमारा, प्रेफरेंस शेयर हुआ, तो ये दोनों इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को कलेक्ट कर सकें अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमारी कैलकुलेट करता है तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू कलेक्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ द फंड्स बिकॉज द कंटिन्यूअस इन्वेस्टर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर द इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है और जो लगातार पैसे लगाने वाली कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा समझती है। क्यों समझती है, क्योंकि इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम कंपनी ज़्यादातर लॉस में नहीं होती, बट क्या होता है कि उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जब बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करती है, अर्न जरूर करती है, काम करेंगी तो पैसे जरूर आएंगे। तो इस कंपनी में क्या फ़ायदा होता है, इस तरीके से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है, वो ये जान के इन्वेस्ट करता है कि भाई इसमें हमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न जो हो फिक्स रेट में मिलेगा, चाहे कंपनी ज़्यादा कमाए या फिर थोड़ा कमाए। तो ये एक सिक्योरिटी जो कहते हैं अश्योरेंस होती है, एक पूरी तरीके से जो निश्चिंता से बनी रहती है कि वो क्या है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलना है। ये इस वजह से लोग क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने के लिए। फिर कहता है नो फिक्स लाइबिलिटीज, इसके लिए कोई फिक्स लाइबिलिटीज नहीं होती, यानी कि कंपनी डूब भी रही है या कंपनी को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है, जैसे लिखा है डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। डिविडेंड कब होता है, डिविडेंड हमको तब मिलेगा जब कंपनी क्या करेगी प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन लॉस हो तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द लॉस पीरियड देयर इज अ नो फिक्स्ड लायबिलिटी टू पे द डिविडेंड एज इन अ केस ऑफ द लोन्स एंड द बॉरोइंग्स। अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो इन्वेस्टर होते हैं जो लॉस कंपनी को होता है तो इन्वेस्टर को किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो अगर लॉस होगा तो वो बियर करेगा क्योंकि वो ऑनर है, और प्रॉफिट होगा तो वो बियर करेगा क्योंकि वो ऑनर है। दोनों सिचुएशंस होती है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों को पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो केवल पार्टिसिपेट प्रॉफिट में करेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सेदार बनेगा लेकिन लॉस होने पर उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा। तो ये अच्छी फैसिलिटीज है इसकी, या अच्छा मेरिट है इसको लीजिए, एडवांटेज इसको लीजिए। नो इंटरफेरेंस, इसका बहुत सारे इंटरफेरेंस के नीचे होते हैं, क्यों कहते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। जब वोटिंग राइट्स नहीं होगी तो क्या हुआ, कंपनी के अंदर कोई इंटरफेरेंस वो मेंटेन नहीं करेगा। द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इससे क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के होने से क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल होता है उसको ये डिफ्यूज नहीं करता, आराम से बैठा रहता है। कह लीजिए कि एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें ये पार्टिसिपेट भी करता है और नहीं भी करता, मीन्स वॉट कि एक्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं होती इसकी, पैसा लगा दिया
आराम से बैठ गया, इसको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट आता है, इसे आपने बैंक के वाले किसी को लोन दे दिया इस तरीके से। ठीक है, तो विद द प्रेफरेंस शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर आल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटेन द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनीज। देखिए तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये भी कहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटेन द एक्सक्लूसिव कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल की सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं, वो बिजनेस को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, जहां तक कि प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वो ऐसा काम नहीं करते। फिर हम बात करें नो चार्ज ऑन एसेट्स, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, कोई चार्जेस नहीं अप्लाई होते एसेट्स पे। नॉर्मली अगर प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इशूड अगेंस्ट द एनी सिक्योरिटीज, अभी हम जो बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं कि कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, तो कंपनी को क्या बेनिफिट होना है, उसके लिए ज्यादा पैसा कमा सकती है क्योंकि उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देगी वो। दूसरी चीज कहता है नो फिक्स लाइबिलिटीज, उनको वो देगी नहीं, देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जब फायदे में होगी तो उनको देगी, जब लॉस में होगी तो उनको नहीं देगी। फिर कहता है नो इंटरफेरेंस, वो उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, इसलिए वो कंपनी के डिसीजन या कंट्रोलिंग को इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। फिर नो चार्ज ऑन एसेट्स, अभी प्रेफरेंस शेयर्स की सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इशू अगेंस्ट द इनसिक्योरिटी, इसको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं, किसी एसेट्स को गिरवी रख के इशू नहीं किया जाता। नॉर्मली कहता है द एसेट्स ऑफ द कंपनीज रिमेन फ्री टू बी द ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन और द बोरोइंग्स। तो जिससे हम देखें बैंक वगैरह से लोन लेते तो मैंने कहा सिक्योरिटी वो अडॉप्ट करता है, कहता सिक्योरिटी दी तो हमको लोन देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स में के थ्रू अगर कोई शेयर मतलब कोई कैपिटल या कोई फंड्स जनरेट करते हैं तो उसमें ये जो सिचुएशन है वो नहीं है, यानी कि लोन को मेंटेन करने वाली जो सिचुएशन में हमको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटीज के रूप में उसको गिरवी रखना पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हम बात कर लें जैसी कंपनी की जरूरत हो या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जिस तरह के शेयर्स में हो प्रेफरेंस शेयर्स में तो वो उसी कर सकती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज की अगर बात करें द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इज अ फिक्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स का रेट होता है वो क्या है, फिक्स होता है। In the year of the prosperities and more profit, equity shareholders enjoy the high rate of earnings and with the presence of the preference shares in the capital structure. तो कह रहा है कि इस तरह से क्या होता है कि trading equity, trading on equities की बात करते हैं, equity shareholders क्या करते हैं, जब profit हमारा होता है तो ज़्यादा profit को enjoy करने का काम करते हैं, यानी कि company को ज़्यादा profit होगा तो preference shareholders को उतना ही मिलेगा जितना उनका rate क्या है fix। जो रेट फिक्स है उससे ज्यादा उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है जब ज्यादा कमाएंगे तो उनका बेनिफिट उनको ज्यादा है। हम बात कर लें डिसएडवांटेज की, हम बात करें से बुराई क्या है इस तरह से, तो कहता है फ्लक्चुएटिंग एंड लो रेट रिटर्न्स। अगर देखें तो नॉर्मली क्या होता है फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जब भी कंपनी चाहे इसको क्या कर सकती है कैसे कर सकती है उसकी जरूरत पड़ती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स ओनली व्हेन अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, पहली चीज तो ये प्रॉब्लम है कि जब कंपनी प्रॉफिट को अर्न करेगी तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होने की सिचुएशन में कुछ नहीं मिलेगा। अभी कहता है रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो एंड लेसर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो नॉर्मली देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो मिलने वाला बेनिफिट होता है वो जनरली क्या होता है लो होता है, और ये कम भी होता है किससे, जो नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले लोन इंटरेस्ट लोन पे जो इंटरेस्ट मिलते हैं उससे भी ये क्या होता है कम होता है। The preference shares do not attract many investors as there is no assured for return. तो जैसा assurance नहीं है कि returns को मिलेगा ही मिलेगा, तो इस वजह से ये ज़्यादातर लोग attract नहीं कर पाता है किसी भी business operation में। फिर बात करें dividend is not treated as an expenses. तो dividend को इसमें हम expenses के रूप में treat नहीं करते, यानी कि वो चीज़ें वो खर्चे जिनको हम returns के रूप में utilize नहीं कर सकते वो जाते तो हो जाते हैं। तो यहाँ कहता है कि dividend paid to the preferential holders by the company is not treated as expenses। तो dividend जो दिया था company के माध्यम से preferential holders को वो expenses के रूप में treat नहीं करता। It is not deducted from the income of the company before the calculating the tax। अब इसमें क्या है कि इसको डिडक्ट नहीं किया जाता है, इसको घटाने अपने प्रेफरेंशियल होल्डर्स का जो बिलक अमाउंट है या जो डिविडेंड है उसको डिडक्ट नहीं किया जाता। कब कहता फ्रॉम द इनकम, इनकम से बिफोर द कैलकुलेटिंग ऑफ द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले इसको कम नहीं किया जाता है, यानी यहाँ को कमी मिलता है। द कंपनी पेज द इनकम टैक्स ऑन द इनकम व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो कंपनी क्या करती है, ये कंपनी भी क्या करती है, इसकी इनकम पे करने का काम करती है, टैक्स पे करती है उस अमाउंट का जिसको जिसके शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। मीन्स ये कि कंपनी क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उनके लिए भी टैक्स पे करने का काम करती है, जो कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेज का रोल प्ले करते हैं। हम बात करते हैं नो वोटिंग राइट्स, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो इसके पास कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती जिससे वो अपने ओपिनियंस को सामने रख सके। तो दीज शेयर होल्डर्स हैव अ नो से इन द मैनेजमेंट, कुछ भी मैनेजमेंट के नहीं कहने का राइट है, एंड दिस शेयर होल्डर गेट द वोटिंग राइट्स ओनली ऑन द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द बाइंडिंग ऑफ द कंपनीज और द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो ये तब पॉसिबल है जब कंपनी क्या करती है, रिसोल्यूशन की तरफ मुख करती है, इसको बदलाव लाने का काम करती है उसके इसमें कंपनी के बाइंडिंग में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है रीपेमेंट के माध्यम में और उसके साथ साथ बोले जो रिडक्शन इन शेयर्स है और शेयर्स में कोई रिडक्शन आ रही है तो उसके सिचुएशन में ये इनसे वोटिंग राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन। ठीक है, फिक्स ऑब्लिगेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है द रेट ऑफ द डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो क्या है, फिक्स्ड है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ लो प्रॉफिट ऑल्सो कंपनी पे द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पेड इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए क्या है कि अगर हमको 100 रुपये कमाना है, 100 रुपये कमा रहे हैं उसमें से हमको 20 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देना है, तो अगर हम 50 रुपये भी कमाए ना तो उसमें भी हमको 20 रुपीज जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी जो फिक्स है वो उसको दे देंगे। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हम बात करें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमने चीज़ है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और द सब्सिडरी कंपनी और द कंपनीज इफ एनी विच गिव सच अ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयज द बेनिफिट्स और द राइट्स टू परचेज और द सब्सक्राइब for the shares of the companies at a future date at the predetermined price. तो overall कहने का मतलब ये है कि employees stock option में क्या होता है, जो company के employee होते हैं वो उसका director हो सकता है, officers हो सकता है, employees हो सकता है। ठीक है, तो जो company में काम करने वाले लोग होते हैं उनको एक option दिया जाता है, उनको एक opportunity दी जाती है कि वो पहले से decide जो price है predetermined price पे क्या कर सकते हैं, shares को या company के shares को खरीदने का काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इम्प्लॉय कंपनी के शेयर्स को पहले से निर्धारित प्राइस पे खरीदने का काम करता है और ये ऑफर कंपनीज को देती है, तो ऐसे सिचुएशन को एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफरेंस दी है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, तो नॉर्मली इसके बारे में हम बात कर ले तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि नॉमिनल वैल्यू से भी कहते हैं, जनरली जिस रेट पे इसको इशू किया था उसे फेस वैल्यू कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि इक्विटी शेयर्स को जिस रेट पे हम इशू करते हैं, जिस रेट पे बेचते हैं वो 10 रुपये 100 रुपये 50 रुपये जैसे भी होता है उसको हम फेस वैल्यू नॉर्मली जिस पर इशू करते हैं। तो क्या द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली द लो, तो देखें तो इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है जनरली क्या होती है, लो होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की हाई होती है। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर आफ्टर पेइंग द ऑल द डिविडेंड टू द शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको सारे के सारे पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर्स को पेमेंट मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स अपने फिक्स रेट पर डिविडेंड को रिसीव करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट दिया जाता है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है और इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो सिचुएशन में इनसे वोटिंग राइट्स किया सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक सालों तक के लिए उनको डिविडेंड अगर नहीं मिल पाता है तो सिचुएशन में इनके पास वोटिंग राइट्स रहती है। फिर अट्रैक्शन की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं कस्टमर्स का। नॉर्मल लिखा है इक्विटी शेयर्स अट्रैक्ट द बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, जो पैसे लोग रिस्क लेना जानते हैं, जो पैसे लगाना जानते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, वो लोग इस तरीके से सिचुएशन में इस तरीके के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। जबकि यहाँ अगर बात करें तो जो कॉन्शियस कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रॉफिट को फोकस करके चलते हैं कि नहीं हमको इतना ही प्रॉफिट चाहिए, हमारा लॉस न हो, उस तरीके के लोग इस तरीके की शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने का करते हैं। रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क कंपनी इस तरह से रिस्क लेती है, यानी कि प्राइमरी रिस्क भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होता है, सबसे पहले रिस्क इसके ऊपर आता है और ये हमारा क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसके कहता है कि द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली लेस, बहुत ही कम होती है।
फिर रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करें तो एक बार आप बॉन्डिंग अंपायर होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो इसको रिफंड नहीं कहते हैं। हाँ, ऑनरशिप को ट्रांसफर जरूर किया सकता है इसमें इक्विटी शेयर में। तो हम ये कहते हैं एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर द प्रेफर्ड शेयर्स आर पेड। तो नॉर्मली अक्सर देखें तो लोग करते क्या है कि इसका रिफंड नहीं होता, इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहाँ भी से कह रहे हैं कि ये हो सकता है जब प्रेफरेंशियल होल्डर्स का सारा सारा पेमेंट कर दिया उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जाता है। और यहाँ पे कहता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर्स फॉर रिफंड ऑफ द कैपिटल। तो कैपिटल रिफंड होने के बाद जब करते हैं तो कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। फिर कहता है रिडक्शन की बात करें तो इसका रिडक्शन जो होता है वो पे बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कहता है। इक्विटी शेयर आर द नेवर रिडीम, इसको कभी रिडीम नहीं किया सकता, मतलब इसको वापस नहीं ले सकता, कैंसिल नहीं किया सकता, इसको किया जा सकता है, ये रिडीमेबल होता है। और जैसे ही ये इसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म होता है उसमें प्रेफरेंस शेयर ऑटोमेटिक रिडीम हो जाता है। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।